नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जेजेएन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ शिल्पा नेगी। हल्द्वानी पुलिस टीम द्वारा शनिवार को महज 6 घंटे के भीतर पिकअप वाहन को चोरी करने वाले चोरों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस चोरी का खुलासा करते हुए शनिवार दोपहर 1:30 बजे हल्द्वानी के कोतवाली में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी। एसपी सिटी हल्द्वानी हरबन सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि पिकअप चोरी के आरोप में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से चोरी की गई पिकअप वाहन भी बरामद हुई है। जानकारी के मुताबिक दोनों युवक हल्द्वानी के ही निवासी है। पिकअप वाहन की चोरी की खबर मिलते ही तत्काल पुलिस टीम का गठन किया गया और सीसीटीवी कैमरों को खंगाला गया। सीसीटीवी फुटेज की मदद से आखिरकार पुलिस ने चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं इस मामले की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। सर, जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई गई थी, क्या कारण था, किस वजह से कराई गई थी? ये एक वादी ने तहरीर दी थी कि उसकी दुकान के सामने पिकअप खड़ी थी बरेली रोड पर, वो पिकअप चोरी हो गई है। तो वादी द्वारा तहरीर के आधार पर थाना हल्द्वानी में अभियोग पंजीकृत किया गया चोरी का, और मात्र छः घंटे के अंदर पुलिस टीमों का गठन किया गया और 6 घंटे के अंदर उन पुलिस टीमों ने जो चोरी गई पिकअप थी उसको रिकवर किया है। इसमें 2 लोगों से ये पिकअप बरामद हुई है, दीपक कश्यप और विक्की वाल्मीकि, इनके पास से पिकअप बरामद हुई है और ये दोनों हल्द्वानी के रहने वाले हैं। और इसमें जो दीपक कश्यप है, ये थाना बनभूलपुरा से पहले भी पिछले साल चोरी की एक अभियोग में जेल जा चुका है और हल्द्वानी से लूट के अब मुकदमे में जेल जा चुका है। तो इसका ये आपराधिक इतिहास है। इनकी ये योजना थी कि इस पिकअप को यहाँ से चोरी करने के बाद रुद्रपुर में किसी कबाड़ी को बेचने की इनकी योजना थी, जो पूछताछ में सामने आया है, और इनको अरेस्ट करके आज माननीय न्यायालय के सामने पेश किया जा रहा है। सर, जैसे कि शहर में जो है चोरी के मामले बढ़ते जा रहे हैं, तो उसके लिए टीम किस तरह से काम कर रही है? जो यहाँ पर शहर में चोरी की घटनाएं हो रही हैं उनके लिए पुलिस टीमों का गठन किया गया है। पुलिस टीमों द्वारा जो उस क्षेत्र के सीसीटीवी फुटेज हैं और जो मुखबिर की सूचना के आधार पर चोरों को अरेस्ट किया जा रहा है। कुछ अभी भी चोरी की जो घटनाएं हैं वो अनवर्कआउट हैं, वर्कआउट होने के लिए शेष हैं। तो उसमें भी जो पुलिस टीमें लगातार कार्य कर रही हैं और उसमें मुझे पूरी उम्मीद है कि पुलिस टीमों को अच्छी सफलता प्राप्त होगी। तो फिलहाल की इस खबर में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहे जेजेएन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।